हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। और आज का जो मेरा वीडियो है वो है गुनिये के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों देखिए, एक तो हमारा ये वाला गुनिया होता है, पर इसमें वो चीज़ नहीं है जो होनी चाहिए। जो गुनिया यहाँ से कलम कटी हुई होती है, जिसमें इस तरह का रहता है, ये वाली शेप रहती है कलम वाली। पहले तो हमेशा आप वही वाला गुनिया आप लें, अगर आपका फैब्रिकेशन का काम है। उससे क्या होगा कि आपको कलम काटना बहुत ईजी होगा। वो कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। अब इसमें तो ये है कि आपको निशान लगा के ही कलम काटनी पड़ेगी, पर उसमें आपको निशान लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये है हमारा दूसरा गुनिया, और जिसकी बात कर रहा था मैं कलम की, ये होती है वो कलम। हमेशा ये स्क्वायर वाला ना लेके ये वाला लेना चाहिए। इसके क्या फ़ायदे हैं मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए हमारा पाइप है, हमें इसकी कलम काटनी है, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, इस तरह से निशान लगाते हैं, इस तरह से काटते हैं, इस तरह से निशान लगा के लगा दिया, पेड़ नीचे तो पेड़ नीचे उसमें लगा दिया। पर नहीं, ये इस तरह रख के कलम भी एकदम सही कटी है। ये हमारी हमने पहले काट ली थी वाली, तो ये कलम काटने के लिए भी सही बढ़िया है, और निशान लगाने की भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है उसके लिए। पाइप में सीधा ये वाला कोई सा भी साइज का पाइप लोगे तो कलम वही काटेगा। ये मान लो ये हमारा 10-20 ये आधा भाई का पाइप, इसकी भी ऐसे ही कटेगी। इधर से काटते हैं, इसकी भी ऐसे ही कटेगी। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे से मैं कोई भी तरह की वीडियो डालूँ आपको उसका।